सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा सारे का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। दोस्तों असी अज क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स पार्ट और लैसन का नाँ है प्रकाश परावर्तन अपवर्तन। तो फ्रेंड्स, इस तो पहले असी क्लास 10th साइंस का रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के लैसन जड़े डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वह लिंक थानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो चैनल की प्लेलिस्ट से जाके वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने तो पहले अगर तुम चैनल के नवे हो तो चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल में सबसक्राइब करो तो इस बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर थोड़ा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना जी। तो इस ही शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस पार्ट फिजिक्स लैसन नंबर 10 है प्रकाश परावर्तन अते अपवर्तन। इस द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जी। वाहना विच पिछे दी आवाजाई देखने लई केड़ा दर्पण वरत्या जाता है। इस दी ऑप्शन है जी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण ते पैराबोलिक दर्पण। और इस द राइट आंसर है जी उत्तल दर्पण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 अनंत दर्पण के आकार से निर्भर करती है, उपरोक्त विच कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है जी जिहड़ा समतल दर्पण है उसकी जिहड़ी फोकस दूरी है अनंत है। प्रश्न नंबर 3 है दंदां दे डॉक्टर द्वारा आम तौर पर वरतों विच लिया जाने वाला दर्पण उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण अते अवतल दर्पण है या समतल दर्पण है। वो इसका राइट आंसर है जी ये जी अवतल दर्पण है। इसका राइट आंसर आ जाएगा जी अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है वस्तु का आभासी अते बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इन्हां विच्चों कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जी समतल दर्पण जिहड़ा कि वस्तु का आभासी अते बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है यह विचकार तो मोटा अते किनारियां तो पतला हुंदा है, ये उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है। तो इसका आंसर है जी ये है जी उत्तल लेंस जिहड़ा विचकार तो मोटा अते किनारियां तो पतला हुंदा है उन्हों असी कहने उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा ते वस्तु तो छोटा बनता है, आभासी सीधा ते वस्तु तो छोटा बनता है, जां आभासी सीधा ते वस्तु तो वड्डा बनता है, जां वास्तविक सीधा ते वस्तु तो वड्डा बनता है। गैस करो जी इसका राइट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन बी आ गई। एक ही है इसका आंसर जी जिहड़ा उत्तल दर्पण है उहदे द्वारा जिहड़ा प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी सीधा अते वस्तु तो छोटा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है पानी विच डुबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत हुंदी है, ये प्रकाश दे परावर्तन कारण, प्रकाश दे अपवर्तन कारण, प्रकाश दे वर्ण विखेपन कारण या इन्हां विचों कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है जी प्रकाश दा अपवर्तन दे कारण जिहड़ी सानू पानी दे विच डुबी हुई पेंसिल जिहड़ी है सानू मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है अवतल दर्पण की वक्रता अर्धव्यास आर अते फोकस दूरी एफ विच की संबंध है, एफ इज इक्वल टू आर, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, आर इज इक्वल टू एफ बाई टू और आर इज इक्वल टू एफ बाई फोर। और इसका राइट आंसर है जिहड़ा इहदी फोकस है फोकस दूरी एफ वो आएगी आर बटा दो याद रखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मिलान करो तो स्क्रीन पे देख सकते हो एफ की है जी एफ नूं असी कह दिंदे हां जी फोकस दूरी। उस तो बाद नंबर सेकंड दे लेंस दा मध्य बिंदु उन्हों कहने प्रकाशी K
केंद्र। उस तो बाद है जी लेंस की शक्ति, इनू असी मेयर करने हैं डाइप्टर दे विच, लेंस की शक्ति उसका यूनिट है मेजर करन दा, डाइप्टर डी ना डिनोट करते हैं। नैक्सट इहदा हवा विच प्रकाश की जिहड़ी चाल है वह 3×10^8 m/s, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है जी। नैक्सट प्रश्न है मैचअप, उस तो बाद है जी सनैलनिज़म, ये फार्मूला जी साइन आई बटा साइन आर। उस तो बाद है एंगल ऑफ इंसीडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, इनू अं की कहने जी परावर्तन का निज़म कहने हैं। उस तो बाद है 1/V − 1/U = 1/F, इनू असी कहने जी लेंस का फार्मूला है, और आई एफ जड़ा उन्होंने असी कहने लेंस की शक्ति, आई एफ की आ जाएगा लेंस की शक्ति। नैक्सट है उस तो बाद है ड्राइवर दर्पण, जोड़े ड्राइवर दर्पण यूज़ करते हैं उसका उत्तर है जी उत्तल दर्पण। डाइप्टर एक लेंस की समर्थ है, उन्हों लेंस नू मेजर करन दा यूनिट है डाइप्टर। समतल दर्पण की जिहड़ी फोकस दूरी है वह आनंद हुंदी है। छोटे अक्षरां नू पढ़न लई असी केड़ा लेंस यूज़ करते हैं जी उत्तल लेंस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नैक्सट प्रश्न है पर्दे ते लिया जाण वाला प्रतिबिंब, उन्हों असी कहने जी वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार वड्डा है अवतल दर्पण, प्रतिबिंब का आकार छोटा है तो उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है यदा आ जाता जी समतल दर्पण, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। उस तो बाद आ गया जी खाली थामा भरो, इसका पहला प्रश्न है डैश दर्पण नू वाहना विच साइड दर्पण दे तौर ते वरत्या जांदा है, असी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर है जी उत्तल दर्पण, इहदा की आ जाएगा आंसर जी उत्तल दर्पण। नैक्सट प्रश्न नंबर 2 है हवा विच प्रकाश की चाल कितनी है जी, असी डिस्कस कर चुके हैं 3×10^8 m/s, हवा विच जिहड़ी प्रकाश की चाल है वह है 3×10^8 m/s, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश का एक माध्यम तो दूजे माध्यम विच जान ते अपना रस्ता बदलना प्रकाश अकवांदा है, उन्हों असी कहने जी अपवर्तन, अपवर्तन कवांदा है। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश दर्पण वस्तु का सीधा आभासी अते वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनांदा है, उसका राइट आंसर है जी समतल दर्पण। नैक्सट क्वेश्चन है शेविंग लई डैश दर्पण वरत्या जाता है, इसका उत्तर है जी अवतल दर्पण, शेविंग दे लई डैश दर्पण वरत्या जाता है अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 6 है प्रकाश दीयां किरणां दा किसे पालिश कीती सतह ते टकरा के उसे माध्यम विच वापस मुड़ जाण नूं प्रकाश दा डैश कहिंदे हन, इहनूं असीं कहिंदे जी परावर्तन, की कहिंदे जी परावर्तन। प्रकाश दीयां किरणां दा किसे पालिश कीती सतह ते टकरा के उसे माध्यम विच वापस मुड़ जाण नूं प्रकाश दा परावर्तन कहिंदे हन। क्वेश्चन नंबर 7 है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता अर्धव्यास तो डैश हुंदी है, इसका उत्तर है जी अद्धी हुंदी है, अवतल दर्पण की जिहड़ी फोकस दूरी है वक्रता अर्धव्यास तो अद्धी हुंदी है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है जी सही गलत क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है जदों प्रकाश की कोई किरण दर्पण ते अभिलंब रूप विच पैंदी है तां आपातन कोण 0° दे बराबर हुंदा है, ये बिल्कुल ठीक है जी। नैक्सट प्रश्न है उत्तल दर्पण विचकारों पतला ते किनारियां तो मोटा हुंदा है जी, नहीं असी पिछे डिस्कस कर चुके हैं। अवतल दर्पण का दृष्टि खेत्र वड्डा हुंदा है, ये भी गलत है जी। लेंस की शक्ति का मात्रिक वड दर्शन हुंदा है, नहीं जी असी पिछे कर चुके हैं। डाइप्टर
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਭਿਲੰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਨ ਡਾਇਪਟਰ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਡਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ, ਇਸਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਵਡਦਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਟਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ। ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਕਿਸੇ ਚਮਕੀਲੀ ਸਤਹਿ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਵਰਤਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗੇ, ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਧਰੁਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਜੀ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਛੋਏ ਬਿਨਾਂ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, 1/V/1/U ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/F। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਲੰਬ ਤਿੰਨੋਂ 1 ਤਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਤਨ ਕੋਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਤਲ ਅਤੇ ਦਰਪਣ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ 1 ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ 1 ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਦਾ ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਰਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਾਸਵਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਪਵਰਤਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ 1 ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਲੰਬ ਵੱਲ ਜਾਂ ਅਭਿਲੰਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।
अपवर्तन अंक की हुंदा है इस दा फार्मूला। अपवर्तन अंक है जी हवा विच प्रकाश दी चाल, इनू असी डिवाइड कर देने हैं माध्यम विच प्रकाश दी चाल। एक समतल दर्पण द्वारा पैदा हुए वंड दर्शन प्लस वन एक है इसका की अर्थ है? इसका उत्तर है जी वंड दर्शन प्लस वन तो भाव है कि प्रतिबिंब की उचाई और वस्तु की उचाई दोवें बराबर हैं। वंड दर्शन के मान विच धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी है। उस तो बाद है प्रश्न नंबर 8 है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब विच की अंतर है? वास्तविक रियल इमेज इसनू पर्दे ते लिया जा सकता है, आभासी जिन्हों असीं कहिंदे विर्चुअल इमेज इसनू पर्दे ते नहीं लिया जा सकता। तो फ्रेंड्स अगर थानू वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो नू लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना जी। अगर तुसी चैनल दे नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब करना और नैक्सट लैसन असी अगली वीडियो डिस्कस करांगे। धन्यवाद। जय हिंद।